मुस्तकबिल में कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारे की जानिब अहम पेशरफ। हुकूमत का बिजली के शोबे में होलसेल मार्केट कायम करने का फैसला काबीना की तवानाई कमेटी ने मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में बल्क और 1 मेगावाट तक के सार्फीन के लिए मार्केट मुतारिफ होगी। घरेलू सार्फीन को आखिरी मरहले में होलसेल मार्केट में मुंतकिल किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, इस खबर को समझाएं, थोड़ा सा बताएं हमें इस बारे में, ये होलसेल मार्केट है क्या? देखें, इस पे जो बिजली पैदावार करने वाले जितने भी पावर प्लांट्स होंगे उनकी बिजली की बकायदा बिडिंग की जाएगी। इसमें पीपीआई भी बकायदा बोली देगा, जिसके बाद डिस्कोज अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो उनके पास ऑप्शन होगा और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो पावर प्लांट उनको सस्ती देगा उससे वो खरीदेंगे। अभी जो तवील मुद्दती मुआहदे हैं इसके तहत सिंगल बायर है, सिर्फ जो है सीसीपीए बिजली खरीद के डिस्कोज को दे देता है और दूसरा मार्केट में बायर कोई नहीं है। इससे जो है जो होलसेल मार्केट कायम हो जाएगी तो उसमें जो तवील मुद्दती मुआहदे आईपीपी के साथ वो वाला इशू भी खत्म हो जाएगा। जितनी बिजली पैदा होगी उसकी ओपन बिडिंग होगी, फिर डिस्कोज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेंगी और आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जिसका फायदा ये होगा कि बिजली मार्केट में कंपटीशन का रुझान पैदा होगा और उससे सार्फीन को सस्ती बिजली पे मिलेगी और साथ साथ जो तवील का कॉन्ट्रैक्ट है 25 साल के आईपीपी के उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा भी मिलेगा। ज़हीर अली, बहुत शुक्रिया।